कलांजलि आर्ट स्टूडियो और आर्ट डेको एंटरटेनमेंट द्वारा अस्तित्व कला बाजार 2022 का आयोजन राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला एकेडमी प्रगति मैदान भैरव मार्ग दिल्ली में 12 से 14 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कलांजलि आर्ट स्टूडियो की संस्थापिका अंजलि सेठी मल्होत्रा और रचनात्मक सहयोगी उज्जवल वशिष्ठ ने इस 3 दिवसीय कला और शिल्प उत्सव को 30 नवोदित महिलाओं द्वारा यहाँ आरंभ किया है। विभिन्न कला शिल्प जो केवल अभी गांव में ही महिलाएं जिस कार्य को करती थी, अपनी प्राचीन कलाओं को लेकर हमारी इन 30 महिलाओं ने अलग अलग राज्य की परंपरागत कला को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में एक नए आयाम के साथ सबको सामने लेके आए हैं। इसमें ज्वेलरी डिज़ाइन पेपर से लेकर अलग अलग प्रकार का रेजिन आर्ट से लेकर जूट के ऊपर पेंटिंग, क्लॉथ पेंटिंग, और सबसे बड़ी विशेषता इस मेले की है कि ये सभी कुछ बिना मशीन के हैंडमेड इसको किया गया है। चाहे जरदोजी हो और चाहे लीफ पेंटिंग, नेचुरल फ्लावर्स को किस प्रकार से अलग अलग ढंग से लिया गया है, गुजरात की कला को देखिए किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, इतना सुंदर। और बजट में आप दोनों के द्वारा जो इन्होंने एक ड्रीम सोचा था वो आज सचमुच में इनके सामने ड्रीम्स कम ट्रू वाली स्थिति है। आप दोनों के बारे में अभी आपको मैं बता ही चुका हूँ। इन दोनों का जो ये प्रयास है, ये 30 महिलाओं को लेकर उस अस्तित्व की रक्षा कर रही हैं जो हमारी भारतीय परंपरागत शिल्प कला है, चित्रकला है। ग्रामीण प्रवेश से इन महिलाओं ने उन सभी कलाओं को लेकर आज एक विस्तृत रूप दिया है, पूरे विश्व में एक बाजार के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। ये आने वाले समय में सचमुच में बहुत ही प्रसिद्ध होगा। ये जो प्रयोग किया गया है, आप ये देखिए, महाराष्ट्र से डॉक्टर कलाश्री भवे किया जो कार्य है, ये अपने आप में अद्भुत है। किस प्रकार से उन्होंने परंपरागत पेंटिंग को स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलकर एक जो ऐसा ब्लेंड तैयार किया है, उसको हम सचमुच में अद्भुत कार्य है। कैंडल मेकिंग से लेकर और उसके बाद जो हमारी वर्ली पेंटिंग और दूसरी चित्रकला को किस प्रकार से नए रूप में प्रस्तुत किया है डॉक्टर वेंडी जैस ने, ये निटिंग के द्वारा देखिए किस प्रकार से आप निट करके क्या क्या सामग्री आपने यहाँ बनाई है। सचमुच में ये उसी का एक जीवंत उदाहरण है जैसे मैंने आपको बताया। अब ये देखिए पेंटिंग में पुरानी केतली जिसको हम फेंक दिया करते थे, पुराने बॉक्सेस हैं, लालटेन हैं, उनका कितना अद्भुत प्रयोग किया है। उसको भारतीय जो हमारी परंपरागत पेंटिंग थी जो अलग अलग राज्यों में चित्रकला की जाती थी, उसका यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ आप क्रोशिए से किस प्रकार से सब कुछ निट किया है आप यहाँ ये देख सकते हैं। आप यहाँ आइए और इन सब सोमा क्रिएशन हैंडमेड ज्वेलरी है ये सारी देख सकते हैं। ये नेचुरल प्रोडक्ट से तैयार की गई सारी ज्वेलरी है।
यहाँ से ये देखिए थ्रेड का पूरा वर्क है, किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें बुनाई गई हैं। अभी मैं उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में गया था, वहाँ भेड़ की ऊन से वहाँ की आदिवासी महिलाएं इसी प्रकार से बहुत सी सामग्री बनाते हैं। तो हमारी सब इन महिलाओं ने उन सब को यहाँ लेकर आए हैं। मैंने कुछ ये क्रिएट किया है कि अगर किट्स आते हैं जी, कैन पेंट एनीथिंग, तो मैंने ये सिंपल कैनवस रखे हुए हैं पेंट, तो अपने मन से कुछ भी पेंट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। ये देखिए जी, कला को हमारे सभी ये विजुअल आर्टिस्ट हैं, एक तो रेगुलर सभी पेंटिंग करते हैं, अब उसको हम विभिन्न रूपों में किस तरह से क्राफ्ट के रूप के साथ मिलके डिफरेंट मीडियम के साथ उसको हम कितने अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सीडी में बना हुआ है, ये देखिए पुरानी सीडी, ये पुरानी ओल्ड सीडी, इसमें ये सीडी में बना हुआ है, बहुत सुंदर सर। ये भी सर हैंडमेड है, जगन्नाथ जी जी, ये सब हाथ से ही बना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। प्रीति गुप्ता जी का ये काम है, ये भी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। आप सब यहाँ आएँ और इस काम को ज़रूर देखें। यहाँ आगे फैब्रिक के ऊपर देखिए सारा पेंट किया हुआ है। यहाँ ये यह आपका बार बार इसको ठीक किया कीजिए, ये बार बार ही पलट जाता मेरा। गीता आहूजा जी का ये कार्य इधर, यहाँ ये देखिए जी पंजाब की सारी फुलकारी पटियाला की, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। These are the cushion covers, Christmas special. We have got so much stuff. Do check out our page regularly and you will see awesome wedding collection. Southern platter, homemade products हैं सारे मोहिनी जैन जी द्वारा। और यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल लीफ और फ्लावर्स के साथ किस तरह से सुंदर काम किया गया है, कितने अच्छे प्रोडक्ट सारे यहाँ बनाए गए हैं अमिता वर्मा जी द्वारा। और ये नेचुरल फ्लावर्स को बहुत ही सुंदर यूज़ किया है, ये जैसा जिसको काम चाहिए फ्लावर्स के ऊपर कुछ पेंट्स के साथ काम करके। यहाँ क्योंकि वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं तो यहाँ उनके पास बहुत से बच्चे जो आ रहे हैं उनको भी वो बेसिक ट्रेनिंग दे रही हैं कि आप कैसे कुछ यहाँ पेंट कर सकते हैं। आपने कैनवास रखा जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट अपना काम, सभी अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं। और ये अंत में क्या बनेगा इसको भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ रजनीकांत झा जी द्वारा मधुबनी पेंटिंग का बहुत बड़ा कलेक्शन है, यहाँ उसको आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर कार्य यहाँ रजनी झा जी द्वारा। और ये देखिए जी, ये गांव की उन महिलाओं का कार्य किस तरह से हमारे विजुअल आर्टिस्ट भावना जी सामने लेके आ रही हैं। क्या था कि ये जो कला है बहुत प्राचीन कला है, अपने गांव में अपने घरों को सजाने के काम में लाते थे, उसको हमारे कलाकारों ने उनके साथ मिलके और इसको मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आ रहे हैं। ये आप इसको देख सकते हैं और इसको सीखा भी जा सकता है। इंदु जी का काम जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, ये देखिए कितना सुंदर, बहुत अच्छी विजुअल आर्टिस्ट हैं। आपने पूरी अपनी स्टडी करने के बाद उसमें कई एक्सपेरिमेंट किए, बॉटल्स के ऊपर काम किया, अलग अलग प्रोडक्ट्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ये सब यहाँ आकर आप देख सकते हैं जी। ये रूपाली शर्मा जी का काम है, देखिए कितना खूबसूरत काम। ये मड और ग्लास में
जी सारा ये किया गया है। ये गांव की उन महिलाओं का जो हजारों वर्षों से जिस कार्य को कर रहे थे उसको हम मेन स्ट्रीम में लेके आई हैं। तो आप यहाँ आकर न केवल इन कलाकारों को सहयोग देंगे परंतु भारत की उस कला को जो हमारी प्राचीन कला है, हमारे गुजरात की, महाराष्ट्र की, अलग अलग राज्यों में जो भी हमारी ग्रामीण महिलाएं कार्य करती थी उसको अस्तित्व के द्वारा ये सब देवियां सामने लेके आई हैं। मैं इन सबको हृदय से नमन करता हूं। निर्मल रतनलाल वैद्य, आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहें। इस प्रकार से मैं आपको देश भर में जो भी अच्छा कार्य हो रहा है, जहां भी अच्छा कार्य हो रहा है, मैं आपको उन सभी विभूतियों से मिलवाऊंगा। तो आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।